नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 1 अगस्त 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन फर्स्ट हाफ के दौरान आपको शांति के साथ चीज़ों को एड्रेस करना है। रेस्टलेसनेस को और तनाव को अपने आप से दूर रखिए। प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को एड्रेस करते चलिए। सिचुएशंस में आपको पूर्णता या मूवमेंट आगे की तरफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रिश्तों में आ रहे तनाव या दरार में भी कहीं ना कहीं आप कमी आते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई एक रास्ता मिलेगा, कोई एक परिस्थिति आपकी इम्प्रूवमेंट के दायरे में आएगी, जहां पर आप उन इश्यूज को भी एड्रेस कर सकते हैं जो विगत कई दिनों से आप एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। कुल मिला के दिन की शुरुआत में अगर आप सोच समझ कर दिन की शुरुआत करेंगे, ठंडे दिमाग से इशूज को एड्रेस करेंगे और आप सही समय का वेट करते हुए अब अपने रिलेशनशिप को और स्थिर पॉइंट पे ले जाने के लिए बातचीत करेंगे तो आपको परिस्थितियों में इजाफा होते हुए मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी परिस्थिति बेटर होगी। कुछ नवीनतम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। जो आपका रुका हुआ काम है, खास तौर पे अगर आपका प्रमोशन है या नौकरी चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं से आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सिचुएशंस आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं से शुभ संकेत, परिस्थितियाँ बेटरमेंट के दायरे में आ जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए एक चीज़ और है कि आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे उस पर, तो जो आपको कुछ हेल्थ के एस्पेक्ट्स अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। नवीनतम कुछ प्रोजेक्ट, नवीनतम कुछ काम की योजना करने की आज के दिन आप बना सकते हैं। तो सशक्त तरीके से अगर आपने पूरी एक मन से बनाई एग्जीक्यूशन पैटर्न को बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे लेकर गए तो ये ही प्रोजेक्ट आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर इन्वेस्टमेंट के दायरे से पूछूं तो आज के दिन आपको अपने आप से सवाल देखने चाहिए या अपने आप से सवाल करने चाहिए कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में वो कैसी रही है। अगर आपको लगता है कि आपने निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलतियां करी हैं तो आज के दिन आप उन्हें सुधार सकते हैं या साथ ही साथ आप उन पर रीवर्किंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर रखा है, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, खासतौर पर कार्यक्षेत्र की जो दायरा आपका फैला हुआ है उसको समेटते हुए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आज के दिन आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। साथ ही साथ आप उन बीते हुए या पेंडिंग कामों को भी आज के दिन स्थिरता के साथ अगर एड्रेस कर पाएंगे तो आपकी परिस्थिति आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ परिवार की तरफ से भी आज के दिन आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। रेस्टलेसनेस, तनाव, चिंता आपको फर्स्ट हाफ या मैं कहूँ दोपहर तक लग सकती है, वो भी अननोन फियर की वजह से जो सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं आप डिटैच्ड अवस्था में चल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने ही थॉट प्रोसेस में एंग्रॉस्ड हैं, बिजी हैं। ज़रूरत है आपको अपने आप को पहचानने की, अपनी शक्तियों का आकलन करने की। साथ ही साथ इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन आप जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं। थॉट, आपकी सोच और आपके कर्म में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप सोच ही रहे हैं और एग्जीक्यूशन पैटर्न में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज बनाकर आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ उन लोगों से डिटैच हो जाइए इमिडिएटली जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं या आपके बने बनाए कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं ना कहीं कोई नुक्ताचीनी करते हुए आपका दिन खराब करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपकी परिस्थितियों में इजाफा लाने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या किए गए चुनावों से आज के दिन आप बेहतर विकल्प या बेहतर फ्यूचर अपने लिए तैयार कर पाएंगे। आज के दिन आप कोई महत्वपूर्ण निवेश करने की सोच सकते हैं या रुका हुआ धन खासतौर पर कहीं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाया होगा तो उसके आगे निकलने के आपको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश या कहीं ना कहीं संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज के दिन अगर पारिवारिक तौर पर कोई लीगल बाधा चल रही है तो उससे भी आप निकल जाएंगे। वहां से भी निकलने के या नेगोशिएशन होने के कहीं ना कहीं आपको संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य भी इंप्रूवमेंट के दायरे में आएगा, मन भी आपका शांत रहेगा, परिस्थितियां भी आपके फेवर में रहेंगी। कुल मिला के आज का दिन अगर आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं किसी प्रोजेक्ट में या किसी काम में या किसी बिजनेस विस्तार में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो यह समय बिल्कुल ही अनुकूल है।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। बड़ा बनिए, लोगों को माफ करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी को अगर आप इम्ब्रेस करके चलेंगे तो इससे आप ही की पॉजिटिविटी कम होती है, आप ही के दिमाग में टॉक्सिक्स कंटेन होते हैं, आपकी ही थॉट या थिंकिंग प्रोसेस दूषित होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप उन चीजों को अच्छी तरीके से नहीं हैंडल कर पाएंगे जहां पर आज के दिन कार्य क्षेत्र के संदर्भ में आपकी उपस्थिति मैटर करती है। तो साथ ही साथ आज के दिन अपने जीवन से नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक सोच को निकाल फेंकें, साथ ही साथ देखें कि आगे की ओर आप क्या प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पर किया है बिजनेस विस्तार के संदर्भ में, तो वो परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता देकर जाएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जो आपको 3 से 4 महीने से बोरियत हो रही थी, मन आपका शांत हो रहा था, रेस्टलेसनेस हो रही थी, आप ब्रीद नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप बंधा बंधा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अब वो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी ट्रैवलिंग का अगर प्लान बना रहे हैं, खासतौर पर अगर आप अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका तनाव कम होता हुआ नजर आएगा। आप इस चीज़ के लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता मिले जिससे कि आप अपने जीवन में चल रहे तनाव, रेस्टलेसनेस, या मैं ये कहूँ कि जो भी आपके जीवन में इमोशनल एक दिक्कत चल रही थी, उससे आप निजात पा सकें। बहुत जल्दी ही परिस्थिति आपकी नॉर्मल सिचुएशन में आने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बात करूं, तो संबंधों में नवीनता और प्रगाढ़ता तो आप देखेंगे ही, साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य के सपोर्ट से, उनके दिशा निर्देश से आप कुछ नया काम कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से भी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, जीवन के एक नए एक कदम की ओर आप बढ़ चुके हैं, नया अध्याय लिखने की आपकी जो कोशिश है वो बिल्कुल साकार होती हुई नजर आएगी। अब आपके एफर्ट्स जो हैं राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और कहीं ना कहीं वहां पर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। रिश्तों में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आते हुए देखेंगे, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स या पुरानी दरारें अब भरनी शुरू हो जाएंगी। अब आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन में पाएंगे, साथ ही साथ आप उन एड्रेस भी उन इशू को कर पाएंगे जो बीते कई दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी इजाफा होते हुए देखेंगे, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आएंगी, मन भी आपका शांत होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको खास तौर पे बीपी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वहां पर आज के दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ओवरथिंकिंग से लिया हुआ कोई भी निर्णय आपके लिए टेंशन का सबब बन सकता है। इसलिए सोच के समझ के परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो गई हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, खासतौर पर अगर वह आर्थिक उन्नति के संदर्भ में हो तो। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आज के दिन आपको अपने स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखना चाहिए, खासतौर पे बिजनेस में दोनों को मिक्स ना करें, क्योंकि बिजनेस में व्यापार में वृद्धि के पूरे पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे पारिवारिक स्थिरता भी बनी है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आपके लिए परिस्थितियां और बेटर हो रही हैं। कोई भारी भरकम निवेश करने की अगर काफ़ी समय से सोच रहे थे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वो भी अब आपका सपना साकार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है जो आपके स्ट्रेस लेवल को रिलीफ करती हुई नजर आएगी। और अगर आपने विगत कई दिनों में कुछ वर्षों में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो भी अब आपके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न्स लेकर आएगा। वाहन या कहीं ना कहीं भूमि के योग आपके बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहे हैं, तो कुछ नया इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, रुके हुए काम अब आपके बढ़ने शुरू हो गए हैं, बिजनेस डील्स आगे बढ़ने शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं जो आपको विस्तार देखने को नहीं मिल रहा था आपके कामकाज के संदर्भ में, तो स्पष्टता अब आनी शुरू हो गई है, क्लियरर पिक्चर अब आप देखने लगे हैं, और आपका दृष्टिकोण भी बदलता शुरू होना शुरू हो चुका है, बदलाव उसमें आना शुरू हो चुका है, मन आपका स्ट्रांग है, परिस्थितियां आपके फेवर में हैं। तनाव चिंता से दूर रहिए, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होकर नया रास्ता या दिशा आपको दिखा रही हैं। ये कुल मिला के परिस्थिति बड़ी खूबसूरत तैयार हो रही है, इसी के साथ आगे चलते चलिए। आपको जो आप जीवन में अपने लिए लेना चाहते हैं परिस्थितियां, आर्थिक उन्नति के संदर्भ में जो भी आप अपने लिए कामना करते हैं, वो परिस्थितियां आपके लिए शुभता लेकर आने वाली हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहीं ना कहीं आप अपने लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर पाएंगे, घर चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो भी अब आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट या निवेश करने की सोच रहे हैं जो आपने पहले डिसाइड किया था और ऑन होल्ड हो गया था,
पुराने ही निवेश जो आप करना चाह रहे थे ऑन होल्ड हो गए थे, अब उसी में परिस्थिति आगे बढ़नी आपको दिखाई दे जाएगी। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ कोई नई योजना पर काम कर सकते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। परिवार के किसी सदस्य, वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति अगर आपकी चिंता चल रही थी तो वो भी कमी उसमें होती हुई नजर आएगी, यानी कि स्वास्थ्य लाभ भी दिखता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य की सहायता से या उनके लिए अगर आप कुछ बिजनेस निवेश करना चाहते हैं या बिजनेस में उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी तरह से राय मशवरा देना चाहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी आपके लिए कोई ना कोई शुभ संकेत लेकर आएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे परिवार में आ रही स्थिरता आपको और मजबूत बनाकर जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा लेकर जाएगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन स्थिरता के लिए आपको अब अग्रसर होना चाहिए। खास तौर पर रिश्तों में अगर आपका तनाव चल रहा था तो वहां पर परिस्थिति आपकी अगर आपको लगता है कंट्रोल से बाहर जा रही थी तो वहां पर पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी। मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं आपकी प्रबल रहेंगी, परिस्थितियों को आप अपने फेवर में कर पाएंगे। साथ ही साथ विगत कई दिनों से अगर आप कोई इमोशनल तनाव में चल रहे थे तो उससे भी आप निकल कर बाहर आएंगे। साथ ही साथ नवीनतम दृष्टिकोण के साथ नई विचारधारा जो के अंदर पनप रही है उससे आप जीवन में चल रहे काफी आर्थिक चैलेंजेस को काबू में कर पाएंगे। नौकरी चेंज करने के या नौकरी अगर आपने हाल फिलहाल में चेंज करी है, वहां पर आप अपनी मजबूत पकड़ बना पाएंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज रूप से लेकर आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं आपके कर्मों का पैटर्न देखूं तो टचवुड, आपने अपने आप को, परिस्थितियों को बड़ी ही काबिले तारीफ से कंट्रोल किया है। चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, आपने संतुलन बड़ी बखूबी तरीके से बनाया है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।